गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स हमारा एक चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने थायोल्स, थायो ईथर, सल्फोनिक एसिड्स और फर्दर सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। तो आज थोड़ा सा हम इसका कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ थायो ईथर। अब थायो ईथर क्या होते हैं आपके, थायो ईथर आपके सल्फर एनालॉग्स होते हैं ईथर्स के। ईथर आपका क्या होता है, ईथर इज ROR-, ठीक है। इस ऑक्सीजन को अगर आप रिप्लेस कर दें बाय सल्फर तो वो आपका हो जाता है थायो ईथर, तो आपका हो जाएगा RSR-। और ये अगर मैं बताऊँ आपको RSH, ये आपका होता है थायोल। ROH आपका एल्कोहल होता है। ऑक्सीजन की जगह अगर आप सल्फर लगा दें तो उसको हम थायोल या थायो एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ CH3SH। अब CH3SH आपका क्या है, SH जिन कंपाउंड्स में होता है वो आपके होते हैं थायोल, अभी मैंने आपको बताया। तो थायोल के कॉमन नेम में आप क्या यूज़ करते हैं, मरकैप्टन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो R ग्रुप है उसका आप लिखेंगे एल्काइल, तो R ग्रुप इसमें आपका क्या हो गया, आपका मिथाइल हो गया, और मरकैप्टन आपको इसके पीछे लगा देना है। ये तो एल्काइल मरकैप्टन हम कॉमन नेम में बोलते हैं थायोल्स को। अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम में हम इनको बोलते हैं एल्केन, एल्केन इनी स्ट्रक ऑफ करना, एल्केन थायोल, ठीक है। तो CH3SH का आपका कॉमन नेम मैंने पूछा है, तो कॉमन नेम इसका रहेगा मिथाइल मरकैप्टन, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है मैंने सी पार्ट जो है वो इसका IUPAC नेम है। अगर आपसे IUPAC नेम पूछते तो दिस इज मिथेन थायोल। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ CH3SCH3। अब ये आपका एक थायो ईथर है, तो थायो ईथर जो हमारे होते हैं, थायो ईथर के कॉमन नेम के अंदर हम आपका क्या क्या यूज़ करते हैं, हम एक तो यूज़ करते हैं एल्काइल थायो ईथर्स, ठीक है। एल्काइल आपके दो होंगे, सेम होते हैं, तो हम उसको डाई एल्काइल थायो ईथर्स बोल देते हैं, ठीक है, या हम इसको एल्काइल सल्फाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, आपके दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो ये हो गया डाई मिथाइल और थायो ईथर, पहला ठीक है आपका। देन डाई मिथाइल सल्फाइड, ये भी ठीक है। तो इन जनरल आप कह सकते हैं कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बोथ, ये इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट, नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन थायोल्स रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। तो एल्कोहल्स की तरह ही थायोल भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, और दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट दे आर एसिडिक इन नेचर। तो सोडियम मेटल अगर आप इनके ऊपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका सोडियम साल्ट बन जाएगा थायोल का, एंड योर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस शोज दैट These are also acidic in nature like alcohols. The next question है, which are more acidic? Alcohol ज़्यादा acidic होते हैं या आपके thiol ज़्यादा acidic होते हैं? तो आपके thiol ज़्यादा acidic होते हैं। Thiol क्यों ज़्यादा acidic होते हैं? क्योंकि thiol में है आपके SH bond. तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो SH बॉन्ड की कम होती है एज कंपेयर टू OH बॉन्ड। अगर आपको OH बॉन्ड तोड़ना है तो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है, SH को तोड़ना है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। कम होती है तो मीन्स हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूशन आपकी ईजिली होगी, इस केस में ज़्यादा जल्दी होगी, तो यानी थायोल्स विल बी मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स।
देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन थायोल्स आर ट्रीटेड विद निकल। तो क्या होता है जब आप थायोल्स को निकल के साथ ट्रीट करते हैं तो डीसल्फराइजेशन हो जाती है। डीसल्फराइजेशन, नेम से ही पता चल रहा है, डीसल्फराइजेशन का मतलब रिमूवल ऑफ सल्फर। तो आर एस एच है आपका, डीसल्फराइजेशन हुई तो आपका ये किस में चेंज हो जाएगा, आर एच में चेंज हो जाएगा, यानी कि एल्केन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, आपके क्या बनेंगे, एल्केन्स बनेंगे। द नेक्स्ट है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन थायोल्स आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब आप याद रखना कि जो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में आपको कंसंट्रेटेड HNO3 भी कह सकते हैं या आपको एसिडिक KMnO4 भी कह सकते हैं, दोनों में से किसी के भी साथ अगर आप पूछेंगे तो आपके बनते हैं सल्फोनिक एसिड्स आर फॉर्म्ड, RSO3H आपका बन जाएगा। और अगर आप माइल्ड लेते हैं तो आपके बनते हैं डाइअल्काइल डाइसल्फाइड्स। यहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ थायोल्स की ऑक्सीडेशन होती है एंड दे कन्वर्ट इनटू सल्फोनिक एसिड्स। द नेक्स्ट है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन थायोल्स आर ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ आपको ब्रोमीन वाटर भी दे सकते हैं, आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड भी दे सकते हैं, या आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड भी दे सकते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इस टाइप से आपका जो है, दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आपके थायोल्स किस में चेंज होते हैं, डाई अल्काइल डाई सल्फाइड्स में आपके ये चेंज हो जाएंगे। डाइअल्काइल डाइसल्फाइड आपका क्या रहेगा, RSSR। ठीक है, तो ध्यान रखना है थायोल्स कंसंट्रेटेड जो हमारे, या यू कैन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनके साथ सल्फोनिक एसिड्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ डाइअल्काइल डाइसल्फाइड्स आपके बनाएंगे। द नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन थायो ईथर्स आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब थायो ईथर्स का भी आपका ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपके क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। लाइकवाइज आप यहाँ KMnO4 लें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ आपके बनते हैं सल्फोन्स। सल्फोन्स क्या होते हैं आपके, RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड R। यहाँ पर भी आप माइल्ड लेते हो तो आपके सल्फोक्साइड्स बनते हैं, तो ये दोनों रिएक्शंस भी आपको अच्छी तरह से करनी है। द नेक्स्ट है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन थायो ईथर्स आर ट्रीटेड विद एक्वस अल्कली। एक्वस अल्कली के साथ हमने इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम, किसकी, थायो ईथर्स की। तो थायो ईथर्स को जब हम एक्वस अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो थायो ईथर्स की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, एंड हाइड्रोलिसिस पे आपके क्या बनेगा, एक तो एल्कोहल्स बनता है आपका, और आपसे ये पूछ सकते हैं विच गैस इज रिलीज्ड। तो जब आप करेंगे तो आपका एल्कोहल बनता है एंड H2S गैस इज रिलीज्ड, आपकी H2S गैस रिलीज होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या बनता है, जैसे यहाँ पे तो एल्कोहल हो गया आंसर, या विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन थायो ईथर्स आर ट्रीटेड विद एक्वस अल्कली, तो वहाँ आपका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। द नेक्स्ट, विच आर मोर एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड्स। अब इनमें से जो आपके हैं सल्फोनिक एसिड्स आपके ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अब सल्फोनिक एसिड का अगर मैं आपको बनाऊं तो सल्फोनिक एसिड SO3 नेगेटिव में चेंज होगा, इसका सल्फोनेट एनायन बनेगा H+ रिमूवल के बाद, और ये सल्फोनेट एनायन जो है वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तीन कार्बन एटम पर, आपके तीन ऑक्सीजन एटम्स पर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा। जबकि अगर हम कार्बोक्सीलेट की देखते हैं तो कार्बोक्सीलेट में जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज डिस्पर्स ओवर टू ऑक्सीजन एटम। तो सल्फोनेट जो एनायन है दैट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू कार्बोक्सीलेट एनायन, दैट्स वाई सल्फोनिक एसिड्स आर
स्ट्रोंगर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. देन 12th क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट विच पोजिशन इन बेंजीन सल्फोनिक एसिड. क्या होता है, जो आपके एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स होते हैं दे आर मेटा डायरेक्टिंग. अगर आप इनकी रिएक्शन करते हैं लाइक नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, तो आपके दे आर मेटा डायरेक्टिंग. सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप है मेटा डायरेक्टिंग होता है और आपका अटैक विल अकर एट मेटा पोजिशन. द नेक्स्ट है, वट इज़ फॉर्म्ड वेल वेन सल्फोनामाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड. तो सल्फोनामाइड्स जो हैं दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फोनिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें आपका SO2NH2 ग्रुप लगा होता है आपका एरोमेटिक रिंग के ऊपर. जब आप इनके हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दे विल कन्वर्ट बैक इनटू सल्फोनिक एसिड्स. ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड्स में ये चेंज हो जाते हैं. यू विल गेट, पहले यहाँ पे होता है SO2NH2, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा SO3H में. द नेक्स्ट है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन थायोइथर्स आर ट्रीटेड विद क्लोरीन वाटर. अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सल्फोक्साइड्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, सल्फोक्साइड्स क्या होते हैं आपके, RS डबल बॉन्ड OR. अभी पीछे हमने किया था कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग के साथ हमारे सल्फोन्स बनते हैं. सल्फोन्स में यहाँ आपका सल्फर के साथ एक डबल बॉन्ड O और लग जाएगा. ठीक है, लेकिन हम अब बात कर रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारा क्या बनेगा, सल्फोक्साइड. द नेक्स्ट है, विच पेयर बिलो इज इनकरेक्टली मैच्ड. इनकरेक्टली की बात हो रही है, जो आपका ठीक मैच नहीं करता. तो देखिए, एल्डिहाइड RCHO होता है, यस ठीक है ये क्वेश्चन. थायोल RCH2SH होता है, यस ये भी ठीक है. एमाइड RNH2, नहीं, एमाइड आपका क्या होता है, RCONH2, तो ये आपका इनकरेक्टली मैच हो गया. देन एल्कोहल RCH2OH होता है, यस ये भी ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा एमाइड. एमाइड इज RCONH2 और ये इन्होंने दे रखा है एमीन्स RNH2. द नेक्स्ट है, थायोल्स रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड्स टू गिव. अब क्या होता है, एल्कोहल्स एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको एस्टर्स देते हैं. ठीक है, ये क्या करेंगे, ये आपको थायोएस्टर देंगे. ठीक है, जैसे कि आपका एसिड क्लोराइड आपका हो गया RC डबल बॉन्ड O CL होता है, तो वो CL और आपका RSH से H ये आपका निकल जाएगा और यहाँ पर आपका SR लग जाएगा. ठीक है, तो दीज आर थायोएस्टर्स. तो एल्कोहल एसिड क्लोराइड के साथ एस्टर देते हैं, थायोल जो है एसिड क्लोराइड के साथ आपको थायोएस्टर्स देते हैं. द नेक्स्ट है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट्स विद HNO3 टू फॉर्म. अब HNO3 के साथ जो रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट मेटा पोजिशन. तो यानी कि आपका क्या बनेगा, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म्ड. द नेक्स्ट है, विच इज अ मेथड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ SO3H ग्रुप बाय H. SO3H ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसकी आप रिप्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं बाय डिफरेंट कंपाउंड्स, तो SO3H ग्रुप रिप्लेस हो जाता है बाय डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. यहाँ हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं H से, तो H से रिप्लेस होता है ये वाटर के साथ. अगर आप सल्फोनिक एसिड जो है बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है, अगर आप उसको वाटर से ट्रीट कर देते हैं, एक्वस वाटर आप एसिडिक मीडियम में लेते हैं, तो दिस विल चेंज इनटू बेंजीन. बेंजीन में चेंज हो जाएगा विद वाटर. यहाँ रिएक्शन विद NaOH, NaOH के साथ ये फिनोल में चेंज हो जाता है. ठीक है, और अगर आप NaCN के साथ करें तो ये साइनोबेंजीन में चेंज हो जाता है. लेकिन हमारी बात क्या हो रही है, हमारी बात हो रही है रिप्लेसमेंट बाई H, यानी H का मतलब बेंजीन बनाना है, तो यू विल रिएक्ट विद
वॉटर, राइट। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको मल्टीपल कराए, इससे आपको काफ़ी हद तक हिंट मिल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, आप अपना चैप्टर थोरोली स्टडी कीजिए, हर क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।